चलो ठीक है भोला, देखो पढ़ते हैं। देखो आपको हम क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू, मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है? मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहा है ना? ठीक, मेटल और नॉन मेटल में बाबू मेरे, है ना, मेटल और नॉन मेटल में आपको क्या पढ़ा है? सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है। मेटल और नॉन मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा है? फिजिकल प्रॉपर्टी देव पढ़ा है। दिखाई सुनाई दे रहा जी प्रधान शैतान? प्रधान बाबू नेटवर्क भाग गया क्या? प्रधान धर्मवीर बाबू दिखाई दे रहा है जी? धर्मवीर नेटवर्क भाग गया सर। यस सर, चलो ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो कॉल करना, लैपटॉप को कहा हो गया जी। 1 मिनट बाबू, इसको हो क्या गया? चलो अपने चालू होना पहले तो देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़े बाबू, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। तो आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं ना? तो आपको मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं वो, तो आपको अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेटल के बारे में। स्टार्टिंग में क्या बताया? मेटल का डिफिनेशन है ना, जो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ा है वो, है ना, मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल का क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल का वो कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये आपका लास्ट है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों मेटल और नॉन मेटल का हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सर? जो साउंड प्रोड्यूस करता है ना वो, लस्टर हो, जिसमें चमक हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इस सबको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग बाबू अब उसके पहले क्या पढ़े थे, मेटल का वो है ना केमिकल प्रॉपर्टी में क्या, मेटल का रिएक्शन करवाए किसके साथ बाबू, वाटर के ऑक्सीजन के साथ, फिर मेटल का रिएक्शन करवाए पानी के साथ, फिर मेटल का रिएक्शन करवाए एसिड के साथ। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटल का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ। उसके बाद मेटल का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, है ना? तो मेटल बाबू क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, है ना? इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी मेटल है बाबू क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। शांति से समझना, ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है बाबू, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो आगे बाबू एगो चैप्टर करके अब तो हटा दिया है, केमिकल बॉन्डिंग करके एगो चैप्टर होता है, समझते चलना। एक केमिकल बॉन्डिंग करके चैप्टर होता है ना, केमिकल बॉन्ड मतलब बाबू क्या होता है, कोई केमिकल बॉन्ड, है ना? 11 12 में जाओगे तो वहां डिटेल से पढ़ना है ना, केमिकल बॉन्डिंग, है ना? ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या थी, कोई भी एलिमेंट बाबू क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है, बॉन्ड के थ्रू। कोई भी जैसे बाबू मान लो बाबू कार्बन हो गया, अब प्लस हाइड्रोजन, है ना, 4 गो कार्बन लगा हाइड्रोजन, रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, मान लो CH4 बनाता है ना, मिथेन बनाता। तो ये जो CH4 है वो कैसे जुटल है, बॉन्ड के थ्रू। कैसे जुटल है, बॉन्ड के थ्रू, है ना, बॉन्ड के थ्रू। तो जो बॉन्ड के थ्रू जुटता है बाबू, तो बाबू आपका कितना प्रकार का, 3 टाइप का बॉन्ड होता है। एक कौन सा बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना? एक क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, समझते चलना है थोड़ा थोड़ा सा, है ना? एक सेकेंड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड होता है। और एक आपका होता है बाबू कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ठीक है ना? तो ये सब क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब आपको एक मान लो एक जैसे कार्बन हाइड्रोजन जुटेगा तो कैसे जुटेगा ना कोई एक बॉन्ड के थ्रू जुटेगा ना, है ना? तो बॉन्ड बाबू अब ये बॉन्ड के थ्रू जुटता है ना, बॉन्ड के थ्रू जुटता है। तो अब कौन सा बॉन्ड बन रहा है दो आइटम के बीच में बाबू, है ना, दो आइटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहेंगे, कुछ नहीं था। अब मन में डाउट आएगा सर ये कोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड, बनता कैसे, है ना, कैसे बनता? तो इसके लिए वो कंप्लीट केमिकल बॉन्ड करके क्या है चैप्टर है ना। देखो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता, बोला मेरा कोवैलेंट बॉन्ड बनने की बात है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर से आगे थोड़ा सा बता देंगे, है ना, आपको बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड कैसे बनता है, या तो बाबू इलेक्ट्रॉन शेयर से, या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करके, है ना, चाहे एक एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जब शेयर से इलेक्ट्रॉन बन थी बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो वैसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। जैसे समझो आयनिक बॉन्ड किसको कहेंगे, जैसे मान लो कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर जैसे कहने का मतलब क्या होगा, क्लोरीन है और क्या है, सोडियम है, ठीक, क्लोरीन है और सोडियम है। तो क्लोरीन का क्या करो, एटो ये एटोमिक स्ट्रक्चर ड्रा करो। तो क्लोरीन का कितना होता है आपको, देश का नमक वाला विद्या दिखाए थे बाबू, पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 8 11 होता है ना, क्लोरीन सोडियम का बाबू, सॉरी बाबू
सोडियम का अगर ड्रा करोगे, जी सोडियम का ड्रा करो तो 2 2 6 2 8 है ना, 2 4 6 2 8 एक लास्ट में, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, Na है ना, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करोगे सेल में, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। शांति समझना, तो यहाँ पे पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 2 4, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा सेल में आपको 10 गो हो गया ना जी, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 2 10 हो गया। तीसरा सेल में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, समझना अब यहाँ पे। तो एक्चुअली होता क्या चीज है, कोई भी आइटम बाबू है ना, केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करता है ना। अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करता है बोला, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड है बाबू, कोई भी आइटम है, केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, स्टेबिलिटी को गेन कर, मतलब अपने ऑक्टेट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो होता क्या चीज है समझो शांति से, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम वाला क्लोरीन के ऑर्बिट में अगर चला जाता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं, जो पीछे वाला सेल है आउटर मोस्ट में कई इलेक्ट्रॉन था, तब इसका आउटर मोस्ट में यही 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये क्या बन गया, Na प्लस बन गया। ठीक, अब इसके आउटर मोस्ट, इसके बाबू यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन कर दे देता था, इसके में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, तो अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक, तो ये Na प्लस सही इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, Cl माइनस बन गया, है ना, मतलब आपका क्या हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया। इसी प्लस माइनस चार्ज के बीच में क्या लगेगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, Na प्लस Cl माइनस, है ना, और यही प्लस माइनस के बीच में बाबू अट्रैक्ट करके क्या करेगा, एक बॉन्ड को, बॉन्ड के थ्रू क्या होगा, जुट जाएगा। इसी बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, है ना, आयनिक बॉन्ड, है ना। तो जितने भी ये सब सारे का एलिमेंट है ना, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, FeCl, ये सारे का सारे कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, सारे का सारे क्या, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कहाँ होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है ना, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, है ना, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा मीटिंग हम ज्वाइन हो ले जी अपने से ऑटोमेट। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, है ना, तो यही आपका रिएक्शन ऑफ मेटल बाबू विथ क्लोरीन। तब सोडियम जैसा है, सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, देश का नमक, NaCl बनाएगा, क्या बना देगा आपका, NaCl, है ना। तो NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहेंगे, क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे ना, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ठीक, समझते चलना, कैसे बनता है सर, तो जिस तरह से अभी बताएं उसी तरह से बनता है ना। सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, जिसके फलस्वरूप बाबू, है ना, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस चार्ज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या देते हैं ना, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सोडियम और ये क्लोरीन आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, है ना। तो जैसे ये जुट जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि यह क्या बन गया, देश का नमक, NaCl बन गया, है ना। तो ये जब जुटा इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर को, तो ऐसे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कंपाउंड कहेंगे कहेंगे, है ना। ना। ठीक, ठीक, नेक्स्ट बाबू, समझते चलना है, समझते चलना है ना। सौम्य बाबू वीडियो ऑन करो बाबू, अनुसे तान ऑन कीजिए, तो पिटा। उसी तरह से कैल्शियम है बाबू, आई क्लोरीन है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेगा तो आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 गो, 2 8 8 2। ठीक, क्लोरीन 2 गो है, 2 गो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेगा, जैसे इसको अगर बनाना भोला मेरा, कैल्शियम है और क्लोरीन है, इसका बनाओ, कैसे बनाओगे, तो कैल्शियम का आउटर सेल में कितना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिक्कत है, शाम को पढ़ा रहे हैं, है ना, शाम को पढ़ा रहे हैं, कैल्शियम का बनाएगा तो आउटर सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 गो, और यहाँ क्लोरीन है, कई गो क्लोरीन है, 2 गो क्लोरीन है,
एगो कैल्शियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एगो क्लोरीन को देगा, दूसरा फिर एक कैल्शियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे क्लोरीन को देगा, तो यहाँ बीच क्या बनेगा, यहाँ ये भी जो कंपाउंड बनेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। नहीं समझ में आ रहा, अरे देखो जी सर, ठीक है ना, देखो कैल्शियम का अगर बनाओगे बाबू मेरे, कैल्शियम का देखो इस तरह से अगर बनाना है, तो जहां इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और जहां शेयर करके है ना, आगे आपको बता देंगे, जहां शेयर से बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे इसको देखना है तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेगा, है ना, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है, ये दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा सेल हो गया। ठीक, नेक्स्ट, पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छः, दो आठ इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छः, दो आठ इलेक्ट्रॉन, तो 8 8 16, 2 18, एक सेल और जाएगा इस तरह से, एक सेल और जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये कौन है, कैल्शियम है, ये कौन है, कैल्शियम, ठीक है ना, ठीक। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। क्लोरीन आ जाओ, कैगो क्लोरीन एटम है, दो गो क्लोरीन एटम, कैगो है, दो गो, छोटा छोटा क्लोरीन बना, ये प्लस हो गया, ये पहला सेल हो गया, आ ये दूसरा सेल हो गया, शांति समझना, क्लोरीन है भोला, तो क्लोरीन है भोला मेरा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करो जी, ये बताएं, पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में आठ इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, छो दो आठ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक। आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कई गो, 7 गो, शांति समझना, दो दो चार, दो छो, एक सात, उसी तरह से 2 गो क्लोरीन एटम यहाँ पे है, कई गो है, 2 गो क्लोरीन है, तो एक तो और क्लोरीन ड्रा करो, रेड से कर देते भोला, ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल है ना, सेकेंड थर्ड सेल, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 गो सेकेंड में, दो दो चार, दो छो, दो आठ इलेक्ट्रॉन, और 7 गो यहाँ, दो दो चार, दो छो, एक सात इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक सर, समझता चलना है जी। नेक्स्ट बाबू, है ना, अब क्या होगा, तो क्लोरीन के बाबू आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना तो या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से खींचे, और नहीं तो बाबू क्या करे, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो होता क्या है सिनारियो बाबू, एगो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता, और यही गो एक इलेक्ट्रॉन बचता जो इस क्लोरीन को दे देता, है ना, एक गो इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक गो इलेक्ट्रॉन, एक गो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस क्लोरीन का क्या हो गया, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक गो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो इसका आउटर सेल में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया ना, हाँ सर, तो ये से ऑर्बिट हट गया, ठीक सर, तब इसका आउटर सेल में कितना बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन बच गया, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना, तो अब दोनों क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कैल्शियम पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 प्लस आ जाएगा, ये क्लोरीन क्या किया, एगो इलेक्ट्रॉन लिया, ये दूसरा क्लोरीन क्या किया, एगो इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, तो एगो से एगो माइनस आ जाएगा, अब यही कैल्शियम और ये माइनस, है ना, प्लस माइनस जोड़ के क्या बनेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, प्लस माइनस जोड़ के क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, मतलब क्या सर, कैल्शियम और प्लस क्लोरीन, है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसी के बीच में ये क्या करेगा, है ना, एक बॉन्ड के थ्रू जुट जाएगा, है ना, और कंपाउंड क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, है ना, तो वैसे कंपाउंड को क्या करेंगे, वैसे जो कंपाउंड बनेगा उसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, ध्यान देना, तो ये सब जो भी है मैग्नीशियम है, ठीक इसी तरह से होगा फिनोमिना, यहाँ मैग्नीशियम लेना, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करना, क्लोरीन लेना, एल्युमिनियम का भी इसी तरह से होगा, है ना, एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन करके रिएक्शन क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, आपको बताए थे ना जी, एल्युमिनियम क्या होता है वो, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, जैसे एल्युमिनियम है और क्लोरीन है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का वैलेंसी 1, ये यहाँ वाला चिपका दो, ये यहाँ चिपका दो, तो क्या बनता है, AL है ना बाबू, CL3 बन जाएगा, एल्युमिनियम है ना बाबू, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा,
उसी तरह से जिंक है, ये सारा आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्या पढ़ा रहे हैं, मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। तो जिंक क्लोरीन के जिंक क्लोराइड बनाएगा, लोहा है, आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आयरन 3 क्लोराइड बनाएगा, है ना। आयरन का डबल वैलेंसी वैलेंसी होता है, दो भी होता है तीन भी होता है ना, तो जनरली हम लोग हाइयर वाला वैलेंसी वैलेंसी यूज करते हैं, तो इसको फेरिक क्लोराइड कहोगे। उसी तरह से कॉपर का दो वैलेंसी, एक होता और दो होता, तो कॉपर प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड बनेगा, है ना, या क्यों कॉपर टू क्लोराइड बनेगा, कॉपर टू क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। ठीक है शिवानी, वीडियो ऑन कर बाबू। ठीक अनुज बाबू ऑन करो जी। ये था मेटल का रिएक्शन बाबू, है ना, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। आगे बाबू क्या है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, सर हाइड्रोजन के साथ, मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। तो सारा का सारा मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, आपका सोडियम पोटेशियम मैंगनीज जो हाईली रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज में है ना बाबू, जो सबसे ऊपर है, वही क्या करेगा, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं कि लोहा भी जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता, नहीं करेगा, है ना। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है ना, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वही सब मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, उसका हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्रोजन का क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे सोडियम है ना, सोडियम है, हाइड्रोजन है ना, सोडियम है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या NaH बन जाएगा, सोडियम की भी वैलेंसी वन, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी वन, तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया। उसी तरह से वो क्या हाइड्रोजन, ये है वो कैल्शियम है, कैल्शियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कर दो तो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो वही लिखा है, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन बाबू इट फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है ना। तो वही है बाबू आपका, जैसा हाइड्रोजन गैस हो गया बहन बाबू, हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द सोडियम, है ना, हीटेड सोडियम, सोडियम को हीट करो, हीट करो, जैसे ही पास करोगे तो आपका क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड बनेगा, कैल्शियम को हाइड्रोजन से पास करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। तो ये टोटल आपका क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका था बाबू, मेटल का था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे, है ना, नॉन मेटल पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना बाबू आनंद। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में बाबू, जैसे मेटल में क्या था, जैसे हम लोग मेटल में पढ़े हैं मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, उसी तरह से नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है आनंद, जानता बाबू, मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है जी आनंद शैतान, मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता बाबू, नहीं जानता जी, चलो सर कोई दिक्कत, जानते हो सौम्या मेटल का ऑक्साइड कैसा होता बाबू, नो सर नहीं जानती हो, पढ़ती नहीं हो, बोलिए, कल है कहानी आई थी सौम्या, कल बुखार हो गया था सर, बुखार हो गया था आपको, बहुत मेटल बुखार, का रस्टी नेचर हो सकता है सर, अरे इसमें ऐसे बेसिक नेचर का होता है मेटल का ऑक्साइड, आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ब्लू लिटमस रेड लिटमस किया थे ना। नेक्स्ट बाबू, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, याद रखना है शिवानी, वीडियो ऑन करो बाबू। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है एसिडिक होता है, और मेटल का ऑक्साइड, अभी आपको हम करके एक्टिविटी दिखा देंगे, है ना, कुछ नहीं करना है, भोला बर्तन वर्तन लेकर साफ करना। नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आनंद शैतान, मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन, नॉन मेटल कहाँ है बाबू, पीरियोडिक टेबल में आपको बताए थे, है ना। अब हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, किसके साथ, केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, है ना। आगे है हम लोग मेटल वाला खत्म हो गया, नॉन मेटल पढ़ेंगे, उसके बाद मेटलर्जिकल ऑपरेशन है ना, कैसे मेटलर्जिकल ऑपरेशन करेंगे, है ना, शैतान इतना गीला कैसे हो गया। नेक्स्ट बाबू है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, तो पीरियोडिक टेबल में आपको स्टार्टिंग में बताए थे, कन्ने मेरा नॉन मेटल है, केमिकल रिएक्शन लॉयड की राइट साइड ऑफ नॉन मेटल, तो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में चल जाओ, केमिकल रिएक्शन इतना गीला कैसे हो गया जी, ऑफ नॉन मेटल, आज चार छड़ी हो गया शुभ, पांच सात नौ, तीन छड़ी आज हो गया शुभ, जिंदगी जी रहा जी लो, है ना। तो देखो नॉन मेटल है कहाँ बाबू, पीरियोडिक टेबल में, है ना, जैसे बाबू आपका कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, ये पीरियोडिक टेबल है भोला, मन से पढ़ता चलना जी, ज्योति शैतान, एगो वो नहीं आया है, शर्मा जी नहीं आया, ये क्या आपका पीरियोडिक टेबल है, क्या भोला, पीरियोडिक टेबल है ना। तो पीरियोडिक टेबल में बाबू आप इधर चलोगे, है
है ना, ये बोरॉन हो गया, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक है ना, एंटीमनी, टेलरियम, पोलेडियम, ये सब आपका क्या है, मेटलॉइड है। ठीक, पीरियोडिक टेबल में बाबू ये वाला जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या सेपरेट करता है मेटल नॉन मेटल को, तो ये वाला मेटलॉइड है, इसके इधर सारा का सारा क्या है, नॉन मेटल है। ये सब सारा अल्मोनियम हो गया, एजी हो गया, एडी हो गया, नॉन मेटल है। यहाँ से बाबू इधर चल जाओ, सर बोरॉन से नॉन इधर, मेटल से की मेटल है इधर सारा का सारा मेटल है, इधर जो बाबू इधर, ये आपका जो है, ये जो लाइन है बाबू, ये जो ब्रिज है, जिग जैग लाइन है, इसको मेटलॉइड कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल्स है, और इसके राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, याद रखना, क्लोरीन फ्लोरीन है ना बाबू, ब्रोमीन आयोडीन, ये हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, एनॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब सारा का सारा क्या बाबू, नॉन मेटल है, सारा का सारा क्या, नॉन मेटल। एगो पौधा और नॉन मेटल है, एगो नॉन मेटल आपका और है, जो चुपके से छुपल है, कन्या है, कन्या है, कन्या, इधर सारा सारा का सारा मेटल है ना जी, ठीक सर, लेकिन इसमें एगो नॉन मेटल है, सबसे ऊपर या सबसे टॉप मोस्ट पे, ये वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेरा क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेरा क्या है वो, नॉन मेटल है। इसकी प्रॉपर्टी, इसका शक्ल सूरत मेटल जैसा मिलता है, देखते हैं ना बाबू, बहुत सारा है ना बाबू, है ना, लड़का रहता है लेकिन उसका शक्ल थोड़ा सा लड़की जैसा मिलता है, वही है, तो इसका शक्ल सूरत मेटल के जैसा मिलता है, इसीलिए इसको मेटल में रख दिया, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, नॉन मेटल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स सर। कैसा है इसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, नॉन मेटल वाला है ना, तो ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, अब बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब सारा का सारा क्या है, नॉन मेटल। तो अब हम लोग इसी का पढ़ेंगे, अभी हम लोग कॉपर का पढ़ लिया, सिल्वर का पढ़ लिया, सारे का रिएक्टिविटी सीरीज में लगभग पढ़ लेना, अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, मतलब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ तो क्या बनेगा, है ना, जैसे नॉन आपका यहाँ यह ध्यान देना, ये सल्फर है, ये क्या बोला, सल्फर है, ये सल्फर है ना, सल्फर है, सल्फर देखने में कुछ ऐसा होता है, सल्फर देखा है जी, गुनगुन के नहीं देखे, बोली देखिए देखिए बाबू, आ रहा है मौसम, आ रहा है सल्फर का, आप लोग तो गांव के ज्योति शैतान, सल्फर देखियो जी, सल्फर से बाबू है ना, गांव देहात में बाबू भूत भगाने का काम होता है, दुर्गा पूजा आता है बबू है ना, तो टोटका टोटका होता है ना, जित आदमी सल्फर है जलाता है, गांव में देखना बहुत सल्फर, तो ये आपको जो है बोला, ये क्या आपका है, सल्फर है, ये जो है ना, ये क्या है, सल्फर है, तो सल्फर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं, हम लोग क्या इसको कहते हैं, गंधक कहते हैं, ये आपका सल्फर है, ठीक है ना, ठीक, सर बाकी कभी नहीं सुने। आपने सुने बाबू, हम लोग के गांव में खुद हो, खूब होता है ना, जब आप तो आदमी एजुकेटेड हो गया है, पहले कम एजुकेटेड होता ना जी, तो जितना भी भूत है, डाइन है ना, कमाइन है, वो दुर्गा पूजा में निकलता था है ना, तो कैसे भागेगा बाबू, निकलता है हाँ भोला है ना, बहुत सारे बच्चे को भूत, डाइन है ना, कमाइन जो भी रहता है ना बाबू, गाँव में सब खूब होता है ना, तो वही क्या, तो क्या किया जाता था गांव में है ना बबू, है ना, जो थी पहले दूसरी होती है ना, 9 दिन होता है ना नवरात्र में बबू, तो सब पहले है ना, पहला दिन आएगा, पहला दुर्गा पहला दिन, तो रात को, शाम को भूत ये ज्यादा था ना, तो सब सल्फर जलाता था, गंधक जलाता था ना, ताकि भूत भाग जाए, ठीक है ना, ये सब कुछ नहीं बबू है ना, अंधविश्वास है और कुछ नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल है ना, तो पहला बाबू कोई भी नॉन मेटल है, शांति समझना, नॉन मेटल बाबू, जैसे मान लो सल्फर मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है ना, कार्बन मेरा क्या है, नॉन मेटल है, शांति से सुनना, तो कार्बन को बाबू मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, पहला जो आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, लिखना नहीं है, लिखाते हैं, तो पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको लिखा देंगे, ठीक, तो जैसे बाबू क्या, बाबू कार्बन मेरा क्या है, नॉन मेटल है, तो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करो तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल का क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, तो जनरल मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसा नेचर का होता है, एसिडिक के नेचर का होता है, पुनः बाबू जब इसको CO2 को बाबू अगर किससे, वाटर से रिएक्शन करवा दो है ना, तो आपको क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, क्या बनता है, H2CO3 बनता है, H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड जिसको कहते हैं, ठीक, तो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्या होता है आपका, एसिडिक नेचर का होता है ना, एसिडिक नेचर का होता है, और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, जैसे आप समझो सल्फर है, तो सल्फर को बाबू जलाओ, भूत भगाओ, आपका एस क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें आग लगाओ तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना, ठीक सर, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा बाबू है ना, नेक्स्ट बाबू, अब सल्फर डाइऑक्साइड में बाबू पानी डालोगे है ना, पानी डाल दोगे भोला है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, इस सल्फर डाइऑक्साइड में क्या कर डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, तो आपको सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा,
H2SO3 है ना, ये सब लिखाएंगे अभी, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है सर? एसिडिक नेचर का होगा। हमको कैसे पता चलेगा सर? तब कुछ नहीं करना है। देखो अगर एक्टिविटी करना है तो सल्फर लेना है, इसको जलाओ, इससे धुआं निकलेगा, इससे धुआं निकलेगा, उस धुआं को बाबू कहीं जाकर स्टोर करो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, फिर लिटमस पेपर से क्या करो, चेक करो। लिटमस पेपर का कलर शैतान, लिटमस पेपर का बाबू कैसे चेक करना? धर्मवीर सुत गया जी। अगर लिटमस पेपर बाबू, हमारे पास दो कलर का लिटमस पेपर होता है, एक रेड होता है दूसरा ब्लू होता है, यही होता है जिंदगी में, है ना। तो अगर रेड वाला बाबू ब्लू हो रहा, रेड वाला लिटमस पेपर है ना बाबू, अगर ब्लू कलर बन जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कैसा सोल्यूशन है? बेसिक सोल्यूशन है, याद रखना जी। अगर रेड वाला जो लिटमस पेपर है, दिखाए थे ना जी, ये मेरा क्या है, लिटमस पेपर है, देखो ये देखो, हाँ ये लिटमस पेपर रेड लिखल है, तो ये लाल वाला हो गया। ये इन्वर्सली छोड़ो भी, बाद में उसको पढ़ाएंगे एसिड। ये लिटमस पेपर ब्लू लिखल है, लिटमस ब्लू लिखल है, नहीं लिखल है, नहीं दिखा। अरे देखो सर, लिटमस क्या है? ब्लू है, ये ब्लू वाला हो गया लिटमस पेपर, है ना, इसमें ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा, खोलोगे तो, है ना। ठीक, ये क्या होता है लिटमस पेपर? होता है क्या? इंडिकेटर है, एसिड बेस को पता लगा कि कौन सा सोल्यूशन एसिड है। देखो यही लिटमस पेपर है, स्ट्रिप होता है इस तरह से और कुछ नहीं होता है ना, ये स्ट्रिप है। तो ये एक स्ट्रिप काटो है ना, पानी में घोलो और देखो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये ब्लू वाला है और ये जो लिटमस पेपर है भोला मेरा, है ना, ये देखो ये आपका रेड है, ये कैसा है? रेड कलर का हल्का, कैसा है आपको नहीं हो सकता, मोबाइल में दिख रहा होगा, ये रेडिश है, क्या है, रेडिश टाइप का, है ना, रेडिश टाइप का, ये तो ये रेड वाला हो गया, है ना। ठीक, तो हम लोग लिटमस पेपर से क्या पता करेंगे कि दिया गया जो सोल्यूशन है एसिड है कि बेस है ना। जैसे आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर मेरा क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगा दिया, जल गया तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, है ना। ठीक, अभी सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, धुआं है, गैस है ना जी, धुआं है। जैसे क्या करो, कुछ नहीं करो, आपको करके दिखा देंगे, ये डिफ्लेरेटिंग स्पून है, इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेरेटिंग स्पून कहते हैं ना, दिखाई दे रहा जी। यहाँ पे देखो रखने का जगह, एक बार लगता कि ये इस सबको करवाए होंगे, यहाँ पे सल्फर रखो है ना, भूत लगता है एक बार भागा। इसको नीचे से क्या करो, कैंडल से हीट करो, इसको क्या करो बोला, कैंडल जला के हीट करो, इस तरह से हीट करेगा, हीट करते करते सल्फर क्या होगा, आग पकड़ लेगा। अब इसको क्या करो, किसी बोतल वगैरह में जाके, मान लो ये आपका गैस जा रहा है, इसमें जाके इसे ढक दो, है ना, ढक दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, धुइया भर जाएगा। अभी इसमें कॉपर भरल है ना, इसको निकालेंगे, निकाल करवा दो, धुइया भर गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और उसको कस के क्या करो, है ना, मिक्स कर दो और उस वाटर को निकालो। ठीक है, वाटर को निकालो और उसमें लिटमस पेपर डालो, देखो कौन सा हो रहा। अगर रेड वाला ब्लू हो रहा है लिटमस पेपर, तो कहेंगे सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का, कैसा है, बेस है। अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर कन्वर्ट होकर रेड हो गया तो कहेंगे सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है ना। तो होता क्या है, जो ब्लू वाला है वो रेड हो जाता है, ब्लू वाला क्या हो जाता है, रेड हो जाता है ना। तो जो भी मेटल ऑक्साइड है बाबू, इसको करके दिखा देंगे, कुछ ज्यादा नहीं है ना, 5-10 मिनट का काम है ना, है ना बाबू। जो ब्लू वाला है लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड हो जाता है ना। तो हम लोग कहेंगे जो मेटल का ऑक्साइड होता है कैसा होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है ना, करके दिखा देंगे। इसको हमको साफ करना पड़ेगा, इसको है ना, इसमें कॉपर भरा रहे, ये सब आप ही लोग के लिए मंगवा, इसमें क्या है, कॉपर का फॉइल्स है, ये है ना कॉपर का बुरा चूर्ण है, तो कॉपर फॉइल्स है, क्या है, कॉपर फॉइल्स है ना, कॉपर का है। ठीक है ना, तो इसको निकालेंगे, कहीं अलग खाली करेंगे, साफ करेंगे, करके दिखा देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं भोला, कोई भी चीज बाबू कर करके पढ़ेगा तो समझ में आएगा। जैसे हम लोग वहां मेटल्स मेटल्स वाला किए हैं, उसी तरह यहाँ भी हमको करना है ना, यही करना है ना। बाकी सूप का चार छड़ी हो, तीन गो हुआ कि चार गो हुआ, सूप कई छड़ी हुआ है जी, सूप एक भी नहीं का सर। कैसे, एक 5 तारीख, 7 तारीख, आज 9 तारीख है जी, आज है 9 तारीख, हाँ अल्टा 5, 7, 9 सब लिखल है, कल कल आ रहे हैं, टेंशन मत लो। कहाँ हम नहीं रहेंगे जाएगा? गांव। हाँ तो मम्मी को फोन करके आएंगे, टेंशन मत लो, रोज दावा खिलाना जरूरी है। लिखो बाबू नॉन मेटल बाबू, तीन गो बाबू, तीन डोज हो ले आपका, अभी मम्मी फोन करते हैं आपके क्लास के बाद, स्कूल शुरू जाएगा होने तब तक करें। नहीं जाते सर।
नॉन मेटल रिएक्ट। नेक्स्ट बाबू, नॉन मेटल बाबू रिएक्ट बाबू विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? होगा जला दो, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नॉन मेटल को जला दो, आग लगा दो, है ना। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन बाबू, इट फॉर्म बाबू, इट फॉर्म बाबू एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। यह ध्यान देना, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? अनंत शैतान, ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम वगैरह में पूछेगा जी, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और बाबू कुछ कुछ के केस में न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है, बताते हैं कैसे न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो आपका क्या होगा? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो पानी बनेगा, H+O2। तो H2O मेरा क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। H2O क्या, हाइड्रोजन आया बाबू, है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना जी, तो क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो नॉन मेटल रिएक्शन करके आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और कुछ कुछ के केस में क्या बनेगा? न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा, है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। ठीक, नेक्स्ट जो बाबू, ये एसिडिक ऑक्साइड है, जो एसिडिक ऑक्साइड है बाबू, इसको पानी में डिजोल्व करो। द एसिडिक ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व करो जी, डिजोल्व इन वाटर, इट फॉर्म क्या बनाता बाबू? एसिड बनाता है। क्या बनाता? एसिड बनाता है। इट फॉर्म बाबू, इट फॉर्म्स एसिड। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बाबू, पहले हम लोग किसका ले लेते हैं? कार्बन का ले लेते हैं, है ना, वेन कार्बन बाबू, वेन कार्बन इज बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ कहाँ? ऑक्सीजन। कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वेन कार्बन इज बॉन्ड बाबू इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिखो आनंद, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है? जलाओ, है ना बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अरे कोई लकड़ी ले लो ना जी, कार्बन क्या होता है? लकड़ी ले लो, घर पेड़ पौधे वाला लकड़ी ले लो सुखल, उसको जला दो तो वहां से धुआं निकलेगा, है ना। गोईठा ले लो, ऑर्गेनिक मटेरियल गोईठा ले लो, उपला जिसको आप लोग कहते हो, है ना, गाय का डंक वाला जो होता है ना, उसको जलाओ तो वहां से धुआं निकलेगा, उस धुआं को क्या करो? कलेक्ट करो कहीं, है ना। तो वो जो धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का? एसिडिक नेचर का। अगर उसको ये एक्सपेरिमेंट करना तो धुआं को क्या करो? वहां पानी में जाकर डिजोल्व कर दो, है ना, थोड़ा सा उसमें पानी मिला दो, डिजोल्व हो जाएगा, फिर लिटमस पेपर जाकर चेक करो, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। मतलब क्या सर? कार्बन बाबू ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। ये आपका क्या हो गया? कार्बन है। क्या है? कार्बन है, कार्बन है, ये क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। कार्बन मेरा नॉन मेटल है बोला, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में किधर है? राइट साइड है। ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक, ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, ये कैसा नेचर का? एसिडिक नेचर का। कौन से नेचर का? एसिडिक नेचर का। कौन दूगो भागा जी, किसका दिन हल्का हो गया? एगो गई गुनगुन, उसको तो स्कूल होगा शायद, और एक गया शुभ, तो है ये, है अनुज, है ये धर्मवीर, है ये। ए ईसा बाबू लिख रहे, ईसा यस एगो संजना भी है ये, एगो और किसका दिन? शिवानी। अच्छा, ये दोनों का दावा खिलाना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा नेचर है बाबू? एसिडिक ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है ना। ठीक सर, अब इस क्या करो, इस जो एसिडिक ऑक्साइड है बाबू, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बोला, कहिया घरे जा रहा है जी शुभ शैतान? आज तो आज आज जा रहा जी, यस सर।
कुछ काम है बाबू? यस तो सुबह आकर दवा खिला दे, दवा खा के जाएगा ठीक रहेगा कि नहीं ज्योति? सबको दवा थोड़ा खा लेता ठीक हो जाता। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर बाबू, इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड। क्लास होगा नहीं ना? नहीं कल इतवार वो आप लोग आते नहीं हो, शैतान काला आप लोग का। हाय सर आप ले बाबू, आईवे नहीं करता, आधा तो सुतला ही रहता है। मतलब क्या सर, CO2 का रिएक्शन करवा दो किसके कल साथ? सुबह वाला क्लास हाँ सुबह वाला, सुबह वाला कल। हम लोग सुबह संडे को भी पढ़ाते, लेकिन ये सब बच्चा सब आता नहीं है, सुतला ही रह सुबह जाता में है। नहीं होगा? कल संडे है ना भोले, तो कल नहीं सुबह मिलेंगे। काल की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात नहीं कर रहे, मंडे की बात नहीं कर। हाँ बोलो। सर टीचर ठीक हुए सर इंग्लिश हाँ वाले? हल्का फल्का, हाँ बात करते हैं उनसे आज। हल्का देखने गए थे तो कोई ज्यादा नहीं था, माइनर था, मैंने चिल्लाया उलाया होगा हाथ पैर और क्या बोलूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक, ये क्या है शैतान? जल ही जीवन है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाबू जल में घोल दो जाके, है ना, तो आपका जो ये सॉल्यूशन तैयार होगा कार्बोनिक एसिड होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनिक एसिड कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनिक एसिड कहेंगे, आयन एसिड। क्या बाबू ये क्या है? एक एसिड है। क्या है? मेरा एसिड है, बैलेंस करना है बोला तो। हाइड्रोजन 2 गो, कार्बन 1 गो, है ऑक्सीजन 3 गो, बैलेंस है ये। तो याद रखना धर शैतान आनंद, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट बाबू। अरे ठीक है सर, टाइम हो गया। सर शैतान अभी 10 मिनट बच रहा है, आज स्कूल नहीं है सोमिया? नो जल्दी लिखो सर, जी। हाँ अब हम लोग सल्फर वाला भी वो लग ले, लिख लो, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। सल्फर को करके आपको चलाना है, दिखा देंगे करके जी। ठीक सल्फर का ध्यान देना बाबू, अगला क्लास में याद करवाना है ना सर, सल्फर वाला करना एक्टिविटी। नहीं याद रहेगा, ध्यान करवाना, सर आपको तो करके अभी कर देख। लीजिए। अभी इसको साफ करना पड़ेगा ना, इसको खाली करना पड़ेगा, फिर इसको साफ करना पड़ेगा, तब ना होगा। इसमें ये डाला है, कॉपर डाला है, कर तो दिखाइए देते हैं। इसको बढ़िया से धोना पड़ेगा, आज से रखा है साफ लाए, ठीक है ना, उसको कोई दूसरे डब्बा में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू, सल्फर का बाबू, इसी तरह से सल्फर को जला ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, सल्फर को जला बाबू ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, 2 नंबर बाबू, देन सल्फर बाबू बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो सल्फर क्या है सर? नॉन मेटल है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है भैन बाबू। सल्फर जिसको गंधक हम लोग कहते हैं, है ना बाबू, बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म बाबू, क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक, कहने का मतलब क्या सर? कुछ नहीं बाबू, सल्फर है। शैतान शुभ घरे जा रहा है, इसीलिए खुशी मना रहा जी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ, क्या बनेगा? SO2 बनेगा। बैलेंस है ये बोला, इसीलिए 3 दिन से लेट आ रहा है जी। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कि क्लास नहीं शुभ? इसीलिए जिंदगी जी रहा ना बाबू। शुरू होता तो आ ही जाती। कहाँ था बाबू, 5 20 25 तक तो आई भी नहीं करता, दर्शाने नहीं देता है। 18 15 में आ जाते हैं सर, हाँ 5 बजे से तो 18 15 में कहा आएगा जी? देर तो लिखाते ना सर, शुरू तो आप हाँ तो 15। लिखाते तो लिखेगा कौन? नेक्स्ट बाबू,
क्लास खत्म है आज। हाँ कॉमेडी कीजिएगा, 5 बजे से 5 बजे आइए, कोई मोह माया नहीं बाबू। भेन बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, भेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, पानी डालो, जो गैस बना SO2 का जो गैस बनेगा उसमें पानी डालो, क्या डालो, थोड़ा सा पानी डालो, रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ, स्कूल नहीं ना ज्योति, विथ वाटर सर है ना, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, तो नॉन मेटल एसिड इज फॉर्म, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, ध्यान रखना आनंद शैतान। जकाने का मतलब क्या सर, CSO2 है, पानी डाल दो, क्या डाल दो, वाटर डाल दो, H2O डाल दो, तो H2SO3 बन जाएगा, तो ये मेरा क्या एसिड है, कमजोर एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड की तरह नहीं बनता, H2SO4 की तरह नहीं बनता, ये सब कमजोर एसिड है ना, मूवी वाला एसिड नहीं है कि फेंक देगा तो जल जाएगा, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये आपका वाटर और ये आपका सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है ना, जिंदगी सब जीता है। लिखो आनंद बाबू, लिखे जल्दी बाबू। निको की हाल चाल है भोला, फेयर वगैरह कंप्लीट हो गया जी निको? सर बस और थोड़ा बाकी है सर, उसमें तो ये बस और कुबेर 5 वीडियो आज थोड़ा कंप्लीट हो सर। का खजाना है जी, आपका थोड़ी ही बाकी, अभी चेक करेंगे आपका, ठीक है भोला जाइए बाबू, बाय सर, बाय बाय हैव अ भोली, नाइस डे सर। बाय बाय बोली, मन से पढ़िए है ना, टॉप कीजिए, पागल की तरह पढ़िए बाबू, स्कूल है अनुज की नहीं जी, कौन नहीं है सर, खुशी का छुट्टी है जी? सर कुछ